नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक रोचक कहानी में जिसका नाम है बंदरों की जिद। जो कि ये कहानी कहीं ना कहीं जो हमारी सामाजिक भावनाएं हैं, सामाजिक सफलता असफलताएँ हैं, जो हमारी सक्सेस की जो स्टोरी रहती है उससे कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है, कहानी का शीर्षक है बंदरों की जिद। एक बार की बात है, कुछ वैज्ञानिकों ने एक बड़ा ही मज़ेदार प्रयोग करने की सोची। उन्होंने अपने प्रयोग में 5 बंदरों को शामिल किया और उन 5 बंदरों को उन्होंने एक पिंजरे में बंद कर दिया और उस पिंजरे के बीचों बीच एक सीढ़ी लगा दी जिसके ऊपर की केले लटक रहे थे। जैसा कि अनुमान था, एक बंदर की नज़र केले पर पड़ी तो वो उन्हें खाने के लिए दौड़ा, पर जैसे ही उसने कुछ सीढ़ियाँ चढ़ी उस पर वैज्ञानिकों ने ठंडे पानी की तेज धारा डाल दी। जब ठंडे पानी की तेज धारा उस बंदर पर पड़ी तो उसे उतरकर बिना केले लिए ही भागना पड़ा। पर वैज्ञानिक यही नहीं रुके, उन्होंने अपने प्रयोग को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक बंदर के किए गए की सज़ा बाकी जो बंदर पिंजरे से देख रहे थे उनको भी दे डाली और सभी को ठंडे ठंडे पानी से भिगो दिया। बेचारे बंदर हक्के बक्के रह गए और एक कोने में ही दुबक कर बैठ गए। पर वे कब तक बैठे रहते, केलों के देख कर मुंह में पानी आ रहा था उनके। तो कुछ समय बाद जो दूसरा बंदर है उसके मन में केले खाने का लालच आया और वो उछलता कूदता सीढ़ी की तरफ दौड़ा। जैसे ही उसने सीढ़ी चढ़ना शुरू किया, वैज्ञानिकों ने फिर से पानी की तेज धारा उस पर डाल दी और उसे नीचे गिरा दिया गया। ये बेचारा बंदर भी बिना केले लिए ही उसे वापस लौटना पड़ा। इस बार भी वही वाक्या वैज्ञानिकों के द्वारा दोहराया गया। इस बार भी जो दूसरा बंदर सीढ़ी पर केले लेने के लिए डटका था उसकी गुस्ताखी की सज़ा बाकी बंदरों को भी दी गई। बाकी बंदरों के ऊपर भी ठंडे ठंडे पानी की बौछार कर दी गई। एक बार फिर वही हुआ, बेचारे बंदर सहमे हुए एक जगह बैठ गए। इसी प्रकार तीसरा बंदर भी लपका केले खाने के लिए, चौथा बंदर गया, पांचवा बंदर गया। ठीक है, इसी प्रकार क्या हुआ, बाकी बंदर जो बचे हुए थे उस पर टूट पड़े और उन्हें केले खाने के लिए रोक दिया गया। और वही वाक्य दोहराया गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि सभी के ऊपर ठंडे पानी की बौछार कर दी गई और एक बंदर की सजा सारे बंदरों को भुगतनी पड़ी। अब प्रयोगकारों ने, वैज्ञानिकों ने एक और मज़ेदार चीज की, आप सभी जानना चाहेंगे वो क्या थी। उन्होंने अपने प्रयोग को आगे बढ़ाया और अब उन्होंने ये किया कि जो अंदर बंदर थे उनमें से एक को बाहर निकाल दिया। ठीक है, जिस बंदर को अनुभव हो गया था कि पानी की बौछार उन पर पड़ रही है, एक बंदर को बाहर निकाल दिया और जो एक नया बंदर था जिसको पता नहीं कि पिंजरे के अंदर क्या हो रहा है, एक नए बंदर को उन्होंने पिंजरे में डाल दिया। अब उस जो नया बंदर था उसको क्या नियम चल रहे हैं उसको नहीं पता था। ठीक है, नया बंदर था, वह नियम को क्या जाना, वो तुरंत ही केले देखकर उसको खाने के लिए लपका। उसे पता नहीं था क्या चल रहा है, वो तुरंत ही केलों की तरह लपका। पर बाकी बंदरों ने झट से उसकी पिटाई कर दी क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं ये बंदर केला खाने के लिए लपकेगा तो हम सभी को पानी से ठंडे ठंडे पानी की बौछार हमारे ऊपर भी होगी। अब जो नया बंदर था उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये बंदर जो है वो खुद भी केले नहीं खा रहे हैं, वो मुझे भी खाने नहीं दे रहे हैं। तो उसने सोचा खैर कोई बात नहीं, शायद ये जो केला है वो खाने के लिए नहीं होगा, सिर्फ देखने के लिए। ठीक है, नकली केला होगा या फिर वो
केला जहरीला होगा। इसके बाद प्रयोगकारों ने एक और पुराने बंदर को निकाल दिया और नया अंदर कर दिया। इस बार भी वही हुआ, नया बंदर केले की तरह लपका पर बाकी बंदरों ने उसकी धुनाई कर दी। और मजेदार बात यह है कि पिछली बार जो नया बंदर अंदर आया था वो भी धुनाई करने में शामिल था, जबकि उसके ऊपर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। ये गौर फरमाने वाली बात है, जबकि उसके ऊपर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। प्रयोग के अंत में सभी पुराने बंदर बाहर जा चुके थे और नए बंदर अंदर थे, जिनके ऊपर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। पर उनका स्वभाव पुराने बंदरों की तरह ही था, वे भी किसी नए बंदर को केले को छूने नहीं देते थे। हमारे समाज में भी यह स्वभाव देखा जा सकता है। जब भी कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करता है, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो, एंटरटेनमेंट, व्यापार, राजनीति, समाज सेवा या किसी और क्षेत्र से संबंधित हो, उसके आसपास के लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं, उसे असफलता का डर दिखाया जाता है। और मजेदार बात यह है कि उसे रोकने वाले अधिकतर वो होते हैं जिन्होंने खुद कभी उस क्षेत्र में हाथ नहीं आजमाया। इसलिए यदि आप भी कुछ नया करने की सोच रहे हैं और आपको भी समाज या आसपास के लोगों के नकारात्मक विचारों को झेलना पड़ रहा है, तो आपने कान बंद कर दीजिए और अपने अंदर आत्मा, अपने सामर्थ्य और अपने विश्वास की सुनिए।